बेटा बेटियों की पढ़ाई और लिखाई, ये कमलनाथ ने कितनी बेईमानी की। अरे मेरे बच्चों को 12वीं में अच्छे नंबर लाते थे तो मैं लैपटॉप देता था, मेरे भांजे भांजियों ने कमलनाथ क्या बिगाड़ा था आपका, तुमने बच्चों के लैपटॉप छीन। दूसरे गांव पढ़ने जाते थे 5वीं पास करके, 6वीं में, 8वीं पास करके, 9वीं में, मैं साइकिल देता था, कमलनाथ जी ने साइकिल भी छीन ली, मैं लैपटॉप देता था। 12वीं में जो बच्चे 75% नंबर लाते थे उनको मैं लैपटॉप के 25,000 रुपया देता था, कमलनाथ जी ने भांजे भांजियों के 25,000 भी छीन लिए। अब सुनो बेटा बेटियों और मम्मी पापा भी सुन ले, चिंता मत करना, साइकिल के 4,500 रुपया जो दूसरे गांव पढ़ने जाते थे, चाहे वो 6वीं में आए चाहे 9वीं में आए, मैंने डाल दिए। 25,000 रुपया लैपटॉप के भी बच्चों के खाते में डाल दिए। और 12वीं में जो भांजे भांजी अपने स्कूल में नंबर 1 पर आए हैं, एक भांजा और एक भांजी, उसको मामा ने स्कूटी भी दिलवाई है। पढ़ते रहो मेरे बेटा बेटे। भाइयों और बहनों, आज कमलनाथ जी बोलते हैं कि सरकार में कुछ काम नहीं हुआ है। मैं कमलनाथ जी को आदर करता हूं, लेकिन आपको मैं याद दिलाता हूं, मैं मेरा भी मध्य प्रदेश आने का 18 साल पहले मौका मिला था। तब मध्य प्रदेश में रास्ता कहां था, गट्टा का नाम ही रास्ता था। घर में बिजली कभी आने का प्रश्न ही नहीं था, जाने का तो बात छोड़ दीजिए, आते थे कब तभी वो लोगों का मेन प्रश्न था। लोगों का कांग्रेस का शासन में मध्य प्रदेश का लोगों का सालाना आय 14,000 रुपया हुआ करता था, आज 1,40,000 करोड़ रुपया है। मध्य प्रदेश आज कृषि में भारत का सबसे नंबर 1 स्टेट बन चुका है। आज मध्य प्रदेश का घरेलू उपार्जन 13,00,000 करोड़ रुपया हो चुका है। मध्य प्रदेश का शिवराज जी का जो शासन है और कांग्रेस का जो शासन है 7 साल का, इसका बीच में आप लोग कंपेयर कीजिए, रास्ता बना, बिजली आया, कृषि का प्रगति हुआ, सिंचाई का पानी आया, लाडली लक्ष्मी जैसा स्कीम हुआ, लाडली बहना जैसा स्कीम हुआ, कृषक का सम्मान हुआ, घर घर में पक्की घर बनना आज शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश प्रगति और विकास का एक बहुत बड़ा मिसाल बन चुका है।